प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रेस वार्ता में सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए महिला अपराध को लेकर आयोग को काम नहीं करने देने की बात कही। मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सरकार महिला आयोग को काम नहीं करने दे रही है। उन्होंने कहा, इतिहास गवाह है, सरकारें आई और चले गई, लेकिन महिला आयोग को काम करने से नहीं रोका गया। लेकिन शिवराज सरकार के कार्यकाल में महिला अत्याचार में नंबर वन रहा है। वही ओझा ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी उम्र की महिला मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर 25 मार्च को कोर्ट में पेशी होगी, जिसके बाद हमें न्याय मिलेगा। 18 मार्च 2020 को महिला आयोग को एक साल पूरा हुआ जब हमने अपना कार्यभार संभाला था, मैं और मेरे 5 सदस्यों ने। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला आयोग को पिछले एक साल में इस सरकार ने, शिवराज सिंह सरकार ने, काम नहीं करने दिया। सरकारें आई गई, इतिहास इस बात का गवाह है कि सरकारें आई गई, पर महिला आयोग, चाहे किसी भी सरकार में उसका गठन हुआ हो, कभी भी किसी भी सरकार ने महिला आयोग को काम करने से नहीं रोका। पर शर्मनाक है कि एक और शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल में मध्य प्रदेश लगातार नंबर एक पर रहा है महिला अत्याचार को लेके, रेप, गैंगरेप, हत्या, तमाम जो महिला अपराध हैं उसके लिए पूरे देश में लगातार नंबर एक पे रहा है। और वहीं दूसरी ओर महिला आयोग जैसे संवैधानिक संगठन को काम नहीं करने दिया जा रहा है, कमरों में ताले डाल दिए गए हैं, सदस्यों को और अध्यक्ष के किसी भी, जब हम महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कोई पत्र भेजने की कोशिश करते हैं तो वो अधिकारी नहीं होने देते हैं सरकार के दबाव के चलते। लगातार महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। 2020 18 मार्च को जब हमने कार्यभार संभाला था तब महिला आयोग में 10,000 के करीब पेंडिंग केसेस थे, जो आज एक साल बाद 12,830 हो गए हैं। शर्मनाक है कि लॉकडाउन के दौरान भी, जब टोटल लॉकडाउन था उस दौरान भी मध्य प्रदेश के थानों में 11,000 महिला अत्याचार के केसेस रजिस्टर हुए हैं। और मेरी सोच बिल्कुल साफ है कि जो केस रजिस्टर हुए हैं उससे 10 गुना केस मध्य प्रदेश में होते हैं जो कि रजिस्टर नहीं होते हैं, क्योंकि हालात मध्य प्रदेश के इतने खराब हैं कि कोई भी उम्र की बालिका हो, चाहे युवा युवती हो, चाहे अधेड़ महिला हो, चाहे बुजुर्ग महिला हो, कोई भी इस मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है। मुख्यमंत्री बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, केवल और केवल वो अपने बातों में महिला सुरक्षा करते हैं और महिलाओं के लिए संवेदनशील बनते हैं। बाकी अगर हम देखें, अभी कल ही मेरे पास एक वीडियो आया, उन्हीं के कार्यालय में, बीजेपी कार्यालय में, एक बच्ची किस तरह से बता रही कि उसके साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। तो कहाँ तो शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं और केवल बात करते हैं, और नहीं तो महिला आयोग जैसे संगठन पर भी उन्होंने ताले लगवा रखे हैं। इससे बदतर और कुछ नहीं हो सकता। जबकि साफ तौर पर जब सरकार बदली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें हटाने का नोटिस दिया तो महिला आयोग कोर्ट में गई और हमें वहां से स्टेटस को मिला, जिसका मतलब है कि हम अपना काम जारी रख सकते हैं, जो हमने काम बड़े जोश के साथ शुरू किया था एक सौगंध लेके कि हम सब मिलके दिन रात मेहनत करेंगे और इस प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा, वो सुरक्षित रहे, उनके साथ जो अन्याय हुआ उसमें उनको न्याय मिले, इस और पूरी कर्मठता के साथ हम काम करेंगे। इस बात की प्रतिज्ञा लेके हमने अपना काम शुरू किया था, पर सरकार ने काम नहीं करने दिया। हम कोर्ट गए, हमें स्टेटस को मिला, जब
हम कोर्ट गए थे, हमें स्टेटस को मिला, इसका मतलब है। और साफ तौर पे न्यायालय ने कहा कि कोई नई नियुक्ति सरकार नहीं कर सकती है, ये मेंशन किया गया, यानी कोर्ट ने हमें न्याय दिया और हमें काम करने का अधिकार दिया। पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने उस पर भी रोक लगाई और उन्होंने हमें काम नहीं करने दिया। लगातार पिछले करीब 8.5-9 महीने से ताले लगे हुए हैं कमरों में हमारे, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, और कोई काम यहाँ महिला आयोग में नहीं हो रहा है, ये आप सब खुद जाके देख सकते हैं। और फिर जब हम क्लेरिफिकेशन